आज अगर हम पुराणों की बात करें और धार्मिक की बात करें तो भगवान विश्वकर्मा जी ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की। इस पृथ्वी पर आज जो भी है वो भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। हम सब उन्हीं की संतानें, जो जैसा भी डॉक्टर पीसी पतंजलि कह रहे थे कि ये जो पिछड़ा वर्ग समाज है, ओबीसी समाज, जिसको संविधान में दर्जा दिया गया, अगर हम उनके कामों की ओर नजर डालें तो उनके कार्यों के बिना कोई भी काम इस सृष्टि में, इस दुनिया में हो नहीं सकता। एक मैकेनिक से लेकर एक हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियर तक ये काम उससे संबंधित होता है। मैं ऐसे ऐसे महारथी लोगों को जानता हूं जो शायद वो एक वर्कशॉप चलाते होंगे, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेशनल इंजीनियर भी उनके यहां काम करते हैं। तो ये विश्वकर्मा समाज की ही देन है। जितनी टेक्नोलॉजी है वो भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। समाज में बहुत सारे समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भारत की आजादी के इतिहास में, आजादी के 68वें साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो एक बड़ा परिवर्तन देश को देखने को मिला। सबने, पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी को सर आंखों पर लेकर चुना और प्रधानमंत्री बनाया। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और पिछड़ों को समर्पित सरकार होगी। बहुत से लोगों ने कहा ये तो राजनीति है, बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, बहुत से नेता आए और गए, कोई पिछड़ों का नेता बना, कोई जाटों का नेता बना, कोई यादवों का नेता बना, लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन आए इस बात की अग्रणी भूमिका आजादी के 68 साल के बाद भी अधूरी रही। लेकिन आज हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, अगर हम देखते हैं एक व्यक्ति में कई तस्वीर दिखती है तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी, उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक न्याय भी दिखता है, उनमें भारत के यशस्वी जो पहले गृह मंत्री थे जिनका कल जन्मदिन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष भी दिखता है, उनमें भारत के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो उन्होंने सपना देखा था, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चेहरा भी उनमें दिखता है। सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठा जो व्यक्ति है वो भी समाज की मुख्य धारा में आए और उसका भी विकास हो, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो बात कही, जब ये बात बहुत सारे पिछड़ों वर्ग के नेता है, लेकिन शायद वो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपने विकास के लिए काम किया, अपने परिवार के विकास के लिए काम किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक नेता बहुत बड़े कद के जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, उनके परिवार के 100 से ज्यादा सदस्य एमएलए एमपी जिला पंचायत से लेके कोई भी पद छोड़ा नहीं, मंत्री और विधायक शायद सब कुछ रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हर परिवार का सदस्य बड़ा छोटा उनके परिवार के रहे और वो कहते थे अपने आप को समाजवादी नेता और पिछड़े वर्ग के नेता, लेकिन शायद वो समाज और पिछड़ा वर्ग का भला करने की बजाय अपने परिवार के भला करने में ही लग गए। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, और आजादी के बाद पहली सरकार बनी है जिसने 27 ओबीसी मंत्री बनाए, 27,
नहीं तो गिनती के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता था। और ढूंढ ढूंढ के बाकायदा ऐसे सांसद जो इलाके में काम भी करते हैं, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनको बनाया ढूंढ ढूंढ कर। आप देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, एमओएस पूरे देश के। और जो लोग ये कहते थे, सवाल पूछते थे, अरे नरेंद्र मोदी जी क्या पिछड़ों की बात करेंगे, आज वही नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के, भारतीयता के, राष्ट्रवाद के सबसे बड़े हितैषी बने और सबसे बड़े झंडा बरदार बने। तो आज ये जो विश्वकर्मा समाज आया है, ये एक लघु रूप है, लेकिन पूरी दिल्ली में बहुत इलाके में फैला है। हमारी नीलम धीमान जी हमने प्रदेश में मंत्री बनाया है। अगर हम ओबीसी समाज की बात करें तो हमारे प्रदेश के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी है, जो पूरे ओबीसी समाज को साथ लेकर और उनकी अगुवाई करने का काम, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हितों की बात हो, उसको करने का काम करते हैं। और तो और, मैं जब पहली बार जब अध्यक्ष बना और ओबीसी समाज के प्रमुख लोग आए थे, मुझे ध्यान है आप भी डॉक्टर साहब आए थे, और तब मैंने कहा था कि दिल्ली में भी ओबीसी समाज एक बहुत बड़ी ताकत है। आज दिल्ली में भी 50% से ज्यादा लोग ओबीसी समाज के रहते हैं, दूसरे प्रांतों से भी आए हुए लोग रहते हैं। और ऐसे समाज को हमने पहले रिप्रेजेंटेशन जितना दिया था, उससे ज्यादा हम इन निगम चुनाव में देने वाले, पहले से ज्यादा देने वाले। और हमने इसके लिए भूमिका तैयार की, भूमिका थी, हमने संगठन में उनको जगह दी है, मंडल अध्यक्ष से लगाकर जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी तक उनको भूमिका में लाया है। ओबीसी मोर्चा तो बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा पार्टी की मेन स्ट्रीम में, जहां पार्टी संगठन की मुख्य धारा है, उसमें भी शामिल किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी एक ही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अभी हमने आज जन जन भाजपा, घर घर भाजपा अभियान शुरू किया है और बहुत अच्छा पत्रक तैयार किया है। आप लोग समाज के पॉकेट से, जहां जहां बहुसंख्या में विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज रहता है, वहां जाकर छोटी छोटी मीटिंग करके, और वो झंडा भी हम घर घर लगाएंगे, पत्रक भी बांटेंगे, और निगम चुनाव के अंदर ये जो झूठ की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इसका पर्दाफाश भी करेंगे साथियों। तभी जाकर हमारे समाज की पहचान, हमारे समाज का नेतृत्व, लीडरशिप आगे निकलेगी।